जर्मनी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर फॉर इंटरफेरेंस मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा भारत की शक्ति बढ़ेगी भारत के सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी और इनकी उनकी ये टिप्पणियां शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो चार स्तंभ ऐसे माने जाते हैं उस स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जी न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी एक विषय को लेकर के कोई वाद ही दायर किया जाए उस वाद में एक फैसला हो फैसले से पहले आपके पास में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हो आप माफी मांग पर छूट भी चुके हो पहले भी अगर आप छूट चुके हो आपको अनुभव भी हो कि माफी मांग करके छूटा जा सकता है हो सकता है शायद ये डर कहीं जहन में होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको भविष्य में ऐसी गलती न करें तो शायद उसका डर सता रहा होगा उसके चलते या मैं नहीं जानता कि किस प्रयोजन से माफी नहीं मांगी गई तो और उसके बाद में जब आपको सजा हो जाए और सजा होने के जो परिणाम है उन परिणामों को कॉन्सिक्वेंसिस को लेकर के फिर आप जो है उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश करें और उसको लेकर के कहीं सहानुभूति दुनिया के किसी से बटोर करके उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें मुझे लगता है कि इस इसी तरह की अपेक्षा है जब देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ में तनाव में हो तब देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जाकर के उस देश के एम्बेडर uh, से गुपचुप जाकर के मुलाकात करें या उस देश के लोगों से जाकर के मुलाकात करें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर बैठे हुए दुनिया तो के, के दूसरे देश, देशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर कैसे किया जा सकता उसके लिए सहयोग मांगे मुझे लगता है कि उनसे इससे बेहतर अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते आपको लगता है सिंपति होगी इस चीज की मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जहां पर ये बयान दिया कर्नाटक अब ये स्टेटमेंट आया कि वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि वो तो उस उस बयान को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और आपको लगता है उस चीज वो कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं शायद अब तक वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं ना माफी मांगूंगा ना आगे कोर्ट जाऊंगा

किसी भी संस्था को इंस्टीट्यूशन को वो शायद ऑनर करते नहीं है उन्होंने बदस्तूर अपना कार्यक्रम जारी रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो करारा तमाचा लगने के बाद में उन्होंने जो है अप, अपने आप को उससे रोका जिनका इस तरह का स्वभाव पड़ गया है। स्यंपर्थी कुछ सिंपथी लेने की कोशिश जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम बताएंगे हुँ. क्योंकि 2019 में जो कुछ किया था उसका परिणाम क्या हुआ था वो देश की जनता ने देखा है देखिए अब 75 साल के इस आजाद भारत में जब लोकतंत्र पिचहत्तर साल का हो गया जब देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवा लोगों का देश है जब युवा बढ़ते हुए भारत को और भारत के भविष्य को अपने भविष्य के साथ में जोड़ करके एक, एक उन्मुक्त आकाश की तरह देख रहे हैं उस समय में इस तरह के हथकंडो के माध्यम से लोगों को हम आकर्षित करके और उनको अपने साथ में जोड़ पाएंगे इसकी संभावना ऐसा कौन व्यक्ति था जो दो हजार अठारह में इनसे अलग था दो हजार अठारह और 19 के चुनाव में 18 से लेकर के 19 के चुनाव में वही सब लोग साथ में थे एक बार फिर सारी मोदी विरोधी ताकते एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बढ़ते हुए उत्कर्ष को रोकने के लिए जो भारत के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक बार फिर साथ आई हाँ है कोई नया विषय नहीं है और भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए जब कभी भी भारत का उत्कर्ष होने को हुआ था तब इस तरह की ताकतों ने एक साथ एकजुट होकर के प्रयास किए थे राजस्थान पर आते हैं सर अशोक गहलोत क्यों आपके पीछे पड़े हैं सर मैं सीधा सा सवाल लेता हूँ अभी वो फोन टैपिंग वाला मामला आया अभी वो संजीवनी वाला एक केस उस पर आपके परिवार को घसीट दिया गया आपने क्रिमिनल डेफिमेशन का केस फाइल किया अशोक गहलोत के खिलाफ ये आप दोनों में क्या चल रहा है गहलोत जी क्यों पीछे पड़े हैं सर आपके देखिए मुझे लगता है कि अपने दल में और दल के बाहर भी बढ़ने वाले लोगों को रोकना या बढ़ सकने की क्षमता रखने वाले लोगों को रोकना उनका स्वभाव है उनकी राजनीति की का हिस्सा है अपने दल में भी उन्होंने अपने एक साथी को कैसी कैसी उपमाओं से विभूषित किया था मुझे लगता है मुझे उनका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए उससे एक दो ज्यादा कैप्स लग, फैदर लगा करके उससे बड़ी कैप मुझे पहनाने की भी कोशिश उन्होंने की मेरे साथ तो मेरे परिवार तक को भी घसीटने की उन्होंने कोशिश की 2019 में जोधपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने बेटे के उनके बेटे के लॉन्च को जिस तरह से जमीन पर ला करके पटक दिया आपने क्रैश कराया लाख के लगभग वोटों से हरा करके जोधपुर की जनता ने उन्हें आईना सच का दिखा दिया ये उसकी छटपटाट है और उस छटपटाट के चलते वो इस तरह से इस तरह के अनर्गल बयान देकर के और बिना किसी आधार के बिना किसी तथ्य के बिना किसी सबूत के बिना किसी लिंक के मुझे जबरदस्ती एक विषय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके जिसने कहीं कोई पैसा साइफन ऑफ किया होगा मेरी तीन जनरेशन का जिसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है न मेरे तीन जनरेशन का कोई रिश्तेदार भी मैं नहीं मेरी तीन पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी न उसका डायरेक्टर है न उसका किसी तरह से ऑफिस बियर है न उसका मेंबर है न उसका डिपॉजिटर है न उसका बोरोवर है न कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह से है जी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना मात्र इसलिए कि मैंने अपने कुछ शेयर्स जो है उनको 2011 में उसके अर्स्ट डायरेक्टर को इंडिपेंड जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए थे उसको लेकर के और फिर तो अनर्गल टिप्पणियां करना और जब मेरी दिवंगत माता जी जिनका कोविड के चलते निधन हो गया था 2021 में उनको भी जो है उन्होंने घसीटने की कोशिश की तब व्यथित होकर के मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा और जो है कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के दिल्ली पुलिस को जांच के लिए भेज दिया है अच्छा आप कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया इसलिए वो उसकी खींच मिटा रहे होते हो सकते हैं लेकिन सवाल सबके जहन में ये आता है वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं टारगेट करते हैं अशोक गहलोत

दोन में मेरे मुझे क्यों टारगेट करते है? मुझे जो कारण समझ में आता है कि पिछले 40-45 साल से जोधपुर की राजनीति का वो जो है एकमात्र केंद्र थे और विपक्ष में उनकी पार्टी में जितने उनके जो उनके विरोधी या उनके सामने या उनके बराबर खड़े हो सकते थे उनको उन्होंने किस किस तरह से निपटाया था इसका बहुत लंबा इतिहास है जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल भेज करके कुछ लोगों का राजनीतिक अत्याय करके उन्होंने जिस तरह से निपटाई ये सब जानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और उनके अपोजिशन में कोई इस स्टीचर पे नहीं पहुंच पा रहा था ना नहीं पहुंचा था और मुझे शायद उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर पहली बार थ्रेट के रूप में जोधपुर में देखा 2014 में उनके तमाम प्रयास के बावजूद जोधपुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया प्यार दिया तो और मुझे चार लाख पिछहत्तर हजार वोटों से जीत कर जिता करके भेजा इसीलिए सर लग रहा है ना गहलोत वर्सेज आप होगा इस बार जोधपुर इस... की जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन दोनों चुनावों में मैं सबके साथ मिलकर के काम कर रहा था 2019 के बाद में जब नगर निगम के चुनाव आए उन्होंने वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया उससे भी संतुष्टि नहीं हुई दो टुकड़ों में बांट दिया तो भी जो है जोधपुर दक्षिण में हार गया, हार गया का शिकार होना पड़ा मुझे लगता है कि अब उनको अपनी राजनीतिक धरातल जोधपुर से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके कारण से यह चटपटाट और बढ़ गई कोई सीएम फेस होगा बस एक आखिरी सवाल कोई सीएम फेस होगा या विदाउट सीएम फेस आप लोग कल माननीय गृह मंत्री जी ने आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को खुले रूप में मंच से भी कह चुके हैं पार्टी की बैठक में भी कह चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे पास में जी। नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है हमको किसी और चेहरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है हम बीजेपी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जी। और देश के 130 करोड़ लोग कुछ लोगों की शायद राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो खुले में नहीं कर पाते होंगे लेकिन Uh, जो है बंद कमरे में जो लोग उनसे स्नेह करते हैं ऐसे सारे लोग ऐसा नेतृत्व जिस देश जिस पार्टी के पास में हो उसको किसी चेहरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने Thank So ladies and gentlemen we are now going to be announcing the next category of awards in rural transformation so presenting to you the first winner of this category People living in rural areas tends to be employed in the agricultural or allied sectors but in Chhattisgarh's Tulsi village one in three people consider themselves YouTubers. Wherever you go in this village, you will find someone creating content. People in this village praise Gulab Singh Yadu, who is credited with this transformation. Rising India lauds his extraordinary effort to put a remote village on a new and entertaining path using digital technologies. नमस्कार इंडिया राइजिंग के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में है गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री है जोधपुर से सांसद है मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिए सरकार बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपने समय निकाला और इंडिया राइजिंग में आने के लिए पहला सवाल इंडिया राइजिंग को लेकर ही इंडिया राइजिंग भारत के बढ़ते कदम भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है खासकर मैं इसकी शुरुआत उससे करूंगा क्योंकि भी चार दिन आप पहले आप यूएन से आए हैं संयुक्त राष्ट्र में वाटर वीक यूएन वाटर वीक में इंडिया राइजिंग की असली ताकत वहां भारत की दिखी गजेंद्र जी माइक सर माइक देखिए कोई भी देश जब प्रगति करता है पहली आवश्यकता यह होती है कि उस देश के निवासियों में कोई समाज प्रगति करे कोई संस्थान प्रगति करे उसमें काम करने वाले लोगों में और उसके सहभागियों में ये कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ लोगों ने जब सरकार ने अभावों से आगे बढ़कर के प्रचुरता के साथ काम करने और एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में काम करना शुरू किया ये कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट हुआ है और उनके कार्यप्रणाली में रिफ्लेक्ट होने लगा है। दूसरा कोई भी देश समाज संस्थान यदि राइज कर रहा है, तो दूसरे लोगों की दृष्टि उनको देखने की नजरिया जो है वो किस तरह से बदला यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी आज भारत की तरफ देखने का वैश्विक नजरिया जो है वो परिवर्तित हुआ है और उसे में जो आपने विषय रखा यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी अभी पानी को लेकर के पिछले एक महीने में दो बार मुझे जाने का अवसर मिला जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो लगभग 46 साल बाद में यूनाइटेड नेशंस ने पानी के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस की थी दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि लगभग 110 से ज्यादा देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उससे पहले 20 दिन पहले मार्च महीने के शुरुआत में वर्ल्ड बैंक ने वाटर समिट किया था जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो वाटर फ्रंट पर वाटर स्पेक्ट्रम में जितने भी इनिशिएटिव दुनिया भर में चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है जी वो भी लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां थे वर्ल्ड बैंक समिट की अगर मैं बात करूं तो वो समिट वर्चुअली तीन दिन की समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट हो गई थी शुरुआत से लेकर के आखिरी दिन तक जिस किसी भी स्पीकर ने बात की होगी मेजॉरिटी ऑफ स्पीकर्स जो हैं उन सब ने इंडियन इनिशिएटिव्स की किसी न किसी रूप में चर्चा की और यूनाइटेड नेशंस में भी जब हमने बात की हमने कहा कि पानी ग्लोबल इश्यू है और ये पूरी दुनिया के लोगों का एक जो है सामूहिक रिसोर्स है इस पर हमको वैश्विक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा we'll have to think it globally. और पूरी दुनिया ने इस पर जो है हमारे साथ में दुनिया ने इस पर हमारे साथ में अपना अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का फाइनल टेक अवेज थे उनमें इसको सम्मिलित किया गया क्योंकि भारत ने पानी के दृष्टिकोण से हर एक फ्रंट पर हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम कर रहे <wives> हैं हम दुनिया के सबसे ज्यादा लेक्स का रिजर्वेशन रिवाइवल का रिजुविनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जब हम इतने सारे फ्रंट्स पर होलिस्टिकली एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा पानी के स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्टमेंट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस पांच साल के विंडो में होने वाला है तब पूरी दुनिया भारत की तरफ दृष्टि से देखती है उसका नजरिया बदलता है और यह उसका साइन है कि इंडिया इज राइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी नहीं राइजिंग इंडिया लेकिन सर आपने एक चीज का जिक्र किया मैं इसको इस चीज से जोड़ता हूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन है कोई डाउट नहीं है पूरी दुनिया में भारत का डंका है हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां दुनिया के कुछ देशों की तरफ से इंडिया को भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ले लेकर लेक्चर दिया गया आप इसको जोड़ सकते हैं कुछ लोगों ने इनवाइट भी किया था डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी चुप क्यों है और वाई देर ऑब्लिवियस अब आज की खबर है जर्मनी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर फॉर इंटरफेरेंस मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा भारत की शक्ति बढ़ेगी भारत के सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी और इनकी उनकी ये टिप्पणियाँ शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो चार स्तंभ ऐसे माने जाते हैं उस स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जी न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी एक विषय को लेकर के कोई वाद दायर किया जाए उस वाद में एक फैसला हो फैसले से पहले आपके पास में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हो आप माफी मांग कर छूट भी चुके हो, पहले भी अगर आप छूट चुके हो, आपको अनुभव भी हो कि माफी मांग करके छूटा जा सकता है हो सकता है शायद ये डर कहीं जहन में होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको भविष्य में ऐसी गलती न करें तो शायद उसका डर सता रहा होगा उसके चलते या मैं नहीं जानता कि किस प्रयोजन से माफी नहीं मांगी गई तो और उसके बाद में जब आपको सजा हो जाए और सजा होने के जो परिणाम है उन परिणामों को कॉन्सिक्वेंसेज को लेकर के फिर आप जो है उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश करें और उसको लेकर के कहीं सहानुभूति दुनिया के किसी से बटोर करके उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें मुझे लगता है कि इसी तरह की अपेक्षा है जब देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ में तनाव में हो तब देश की सबसे पुरानी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जाकर के उस देश के अ uh, एंबेसडर से गुपचुप जाकर के मुलाकात करें या उस देश के लोगों से जाकर के मुलाकात करें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जिम्मेदार या पद पर बैठे हुए व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर कैसे किया जा सकता है उसके लिए सहयोग मांगे मुझे लगता है कि उनसे इससे बेहतर अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते आपको लगता है सिंपथी होगी इस चीज की मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जहां पर ये बयान दिया कर्नाटक अब ये स्टेटमेंट है कि वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि वो तो उस उस बयान को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और आपको लगता है उस चीज वो कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं शायद अब तक वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं ना माफी मांगूंगा ना आगे कोर्ट जाऊंगा

किसी भी संस्था को इंस्टीट्यूशन को वो शायद ऑनर करते नहीं है उन्होंने बदस्तूर अपना कार्यक्रम जारी रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो करारा तमाचा लगने के बाद में उन्होंने जो है अप, अपने आप को उससे रोका जिनका इस तरह का स्वभाव पड़ गया सिंपथी कुछ सिंपथी लेने की कोशिश जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम बताएंगे हुँ. क्योंकि 2019 में जो कुछ किया था उसका परिणाम क्या हुआ था वो देश की जनता ने देखा है देखिए अब पिचहत्तर साल के इस आजाद भारत में जब लोकतंत्र पिचहत्तर साल का हो गया जब देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवा लोगों का देश है जब युवा बढ़ते हुए भारत को और भारत के भविष्य को अपने भविष्य के साथ में जोड़ करके एक, एक उन्मुक्त आकाश की तरह देख रहे हैं उस समय में इस तरह के हथकंडों के माध्यम से लोगों को हम आकर्षित करके और उनको अपने साथ में जोड़ पाएंगे इसकी संभावना है, मुझे कहीं भी नहीं नहीं, लेकिन, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति था जो दो में इनसे अलग था 2018 और 19 के चुनाव में 18 से लेकर के 19 के चुनाव में वही सब लोग साथ में थे एक बार फिर सारी मोदी विरोधी ताकतें एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बढ़ते हुए उत्कर्ष को रोकने के लिए जो भारत के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक बार फिर साथ आई हाँ हैं कोई नया विषय नहीं है और भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए जब कभी भी भारत का उत्कर्ष होने को हुआ था तब इस तरह की ताकतों ने एक साथ एकजुट होकर के प्रयास किए थे राजस्थान पर आते हैं सर अशोक गहलोत क्यों आपके पीछे पड़े हैं सर मैं सीधा सा सवाल लेता हूँ अभी वो फोन टैपिंग वाला मामला आया अभी वो संजीवनी वाला एक केस उस पर आपके परिवार को घसीट दिया गया आपने क्रिमिनल डेफिमेशन का केस फाइल किया अशोक गहलोत के खिलाफ ये आप दोनों में क्या चल रहा है गहलोत जी क्यों पीछे पड़े हैं सर आपके देखिए मुझे लगता है कि अपने दल में और दल के बाहर भी बढ़ने वाले लोगों को रोकना या बढ़ सकने की क्षमता रखने वाले लोगों को रोकना उनका स्वभाव है उनकी राजनीति की का हिस्सा है अपने दल में भी उन्होंने अपने एक साथी को कैसी कैसी उपमाओं से विभूषित किया था मुझे लगता है मुझे उनका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए उससे एक दो ज्यादा कैप्स लग फैदर लगा करके उससे बड़ी कैप मुझे पहनाने की भी कोशिश उन्होंने की मेरे साथ तो मेरे परिवार तक को भी घसीटने की उन्होंने कोशिश की 2019 में जोधपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने बेटे के उनके बेटे के लॉन्च को जिस तरह से जमीन पर ला करके पटक दिया आपने क्रैश कराया लाख के लगभग वोटों से हरा करके जोधपुर की जनता ने उन्हें आईना सच का दिखा दिया ये उसकी छटपटाट है और उस छटपटाट के चलते वो इस तरह से इस तरह के अनर्गल बयान देकर के और बिना किसी आधार के बिना किसी तथ्य के बिना किसी सबूत के बिना किसी लिंक के मुझे जबरदस्ती एक विषय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके जिसने कहीं कोई पैसा साइफन ऑफ किया होगा मेरी तीन जनरेशन का जिसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है न मेरे तीन जनरेशन का कोई रिश्तेदार भी मैं नहीं मेरे तीन पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी न उसका डायरेक्टर है न उसका किसी तरह से ऑफिस बियर है न उसका मेंबर है न उसका डिपॉजिटर है न उसका बोरोवर है न कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह से है जी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना मात्र इसलिए कि मैंने अपने कुछ शेयर्स जो है उनको 2011 में उसके अर्स्ट वर्ल्ड डायरेक्टर को इंडिपेंड जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए थे उसको लेकर के और फिर तो अनर्गल टिप्पणियां करना और जब मेरी दिवंगत माता जी जिनका कोविड के चलते निधन हो गया था 2021 में उनको भी जो है उन्होंने घसीटने की कोशिश की तब व्यथित होकर के मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा और जो है कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के दिल्ली पुलिस को जांच के लिए उसे भेज दिया अच्छा आप कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया इसलिए वो उसकी खींच मिटा रहे होते हो सकते हैं लेकिन सवाल सबके जहन में ये आता है वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं टारगेट करते हैं अशोक गहलोत बहुत ही सवाल मुश्किल हो होता है।, है कि इस प्रश्न का उत्तर तो वो ही दे सकते हैं कि वो वसुंधरा जी को टारगेट क्यों नहीं करते नहीं, क्योंकि वो वो दो बार की सीएम रही हैं और गहलोत वर्सेस वसुंधरा वसुंधरा राजे राजे है है आपको लग रहा सिंधिया को टारगेट क्यों नहीं करते हैं। इसकी वजह हो सकती है तो वो आपको सीएम फेस समझ रहे हैं और इस बार गहलोत वर्सेस मैं मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये तो उनके व्यक्ति जो है मस्तिष्क का विषय उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ कि वो क्यों टारगेट करते हैं क्यों नहीं टारगेट करते हैं दोनों में मुझे क्यों टारगेट करते है? मुझे जो कारण समझ में आता है कि पिछले 40-45 साल से जोधपुर की राजनीति का वो जो है एकमात्र केंद्र थे और विपक्ष में उनकी पार्टी में जितने उनके जो उनके विरोधी या उनके सामने या उनके बराबर खड़े हो सकते थे उनको उन्होंने किस किस तरह से निपटाया था इसका बहुत लंबा इतिहास है जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल भेज करके कुछ लोगों का राजनीतिक अत्याय करके उन्होंने जिस तरह से निपटाई ये सब जानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और उनके अपोजिशन में कोई इस स्टेचर पर नहीं पहुंच पा रहा था ना नहीं पहुंचा था और मुझे शायद उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर पहली बार थ्रेट के रूप में जोधपुर में देखा 2014 में उनके तमाम प्रयास के बावजूद जोधपुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया प्यार दिया तो और मुझे चार लाख पिछहत्तर हजार वोटों से जीत कर जिता करके भेजा इसीलिए सर लग रहा है ना गहलोत आप होगा इस बार जोधपुर तो इस... की जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन दोनों चुनावों में मैं सबके साथ मिलकर के काम कर रहा था 2019 के बाद में जब नगर निगम के चुनाव आए उन्होंने वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया उससे भी संतुष्टि नहीं हुई दो टुकड़ों में बांट दिया तो भी जो है जोधपुर दक्षिण में हार गया, हार का शिकार होना पड़ा मुझे लगता है कि अब उनको अपनी राजनीतिक धरातल जोधपुर से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके कारण से यह चटपटाट और बढ़ गई कोई सीएम फेस होगा बस एक आखिरी सवाल कोई सीएम फेस होगा या विदाउट सीएम फेस आप लोग कल माननीय गृह मंत्री जी ने आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को खुले रूप में मंच से भी कह चुके हैं पार्टी की बैठक में भी कह चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे पास में जी नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है हमको किसी और चेहरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है हम बीजेपी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जी और देश के 130 करोड़ लोग कुछ लोगों की शायद राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो खुले में नहीं कर पाते होंगे लेकिन Uh, जो है बंद कमरे में जो लोग उनसे स्नेह करते हैं ऐसे सारे लोग ऐसा नेतृत्व तो जिस जिस पार्टी के पास में हो उसको किसी चेहरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने थैंक यू निकाला थैंक यू सो मच ऑनरेबल मिनिस्टर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे ऑन स्टेज टू फिलिसिटेट द नेक्स्ट सेट ऑफ विनर्स So, ladies and gentlemen, we are now going to be announcing the next category of awards in rural transformation. So, presenting to you the first winner of this category. People living in rural areas tend to be employed in the agricultural or allied sectors. But in Chattisgarh's Tulsi village, one in three people consider themselves YouTubers. Wherever you go in this village, you will find someone creating content. People in this village praise Gulab Singh Yadu, who is credited with this transformation. Namaskar, India rising case of aage Badhate, hamare गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं जोधपुर से सांसद हैं मैं चाहूंगा एक बार फिर से तालियों से स्वागत सरका। अच्छा। बहुत ही। इंडिया राइजिंग भारत के बढ़ते कदम भारत इस वक्त कहां खड़ा है खासकर मैं इसकी शुरुआत उससे करूंगा क्योंकि भी चार दिन आप पहले आप यूएन से आए हैं संयुक्त राष्ट्र में वाटर वीक यूएन वाटर वीक में इंडिया राइजिंग की असली ताकत वहां भारत की दिखी गजेंद्र जी माइक सर माइक देखिए कोई भी देश जब प्रगति करता है पहली आवश्यकता यह होती है कि उस देश के निवासियों में कोई समाज प्रगति करे कोई संस्थान प्रगति करे उसमें काम करने वाले लोगों में और उसके सहभागियों में ये कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ लोगों ने जब सरकार ने अभावों से आगे बढ़कर के प्रचुरता के साथ काम करने और एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में काम करना शुरू किया ये कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट हुआ है और उनके कार्यप्रणाली में रिफ्लेक्ट होने लगा है दूसरा कोई भी देश समाज संस्थान यदि राइज कर रहा है तो दूसरे लोगों की दृष्टि उनको देखने की नजरिया जो है वो किस तरह से बदला ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो होता है जी आज भारत की तरफ देखने का वैश्विक नजरिया जो है वो परिवर्तित हुआ है और उसे में जो आपने विषय रखा यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी अभी पानी को लेकर के पिछले एक महीने में दो बार मुझे जाने का अवसर मिला जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो लगभग 46 साल बाद में यूनाइटेड नेशंस ने पानी के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस की थी दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि लगभग 110 से ज्यादा देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उससे पहले 20 दिन पहले मार्च महीने के शुरुआत में वर्ल्ड बैंक ने वाटर समिट किया था जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो वाटर फ्रंट पर वाटर स्पेक्ट्रम में जितने भी इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है वो भी लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां थे वर्ल्ड बैंक समिट की अगर मैं बात करूं तो वो समिट वर्चुअली तीन दिन की समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट हो गई थी शुरुआत से लेकर के आखिरी दिन तक जिस किसी भी स्पीकर ने बात की होगी मेजॉरिटी ऑफ स्पीकर जो हैं उन सब ने इंडियन इनिशिएटिव्स की किसी न किसी रूप में चर्चा की और यूनाइटेड नेशंस में भी जब हमने बात की हमने कहा कि पानी ग्लोबल इश्यू है और ये पूरी दुनिया के लोगों का एक जो है सामूहिक रिसोर्स है इस पर हमको वैश्विक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा हैव टू थिंक इट ग्लोबली और पूरी दुनिया ने इस पर जो है हमारे साथ में दुनिया ने इस पर हमारे साथ में अपना अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का फाइनल टेक अवेज थे उनमें इसको सम्मिलित किया गया क्योंकि भारत ने पानी के दृष्टिकोण से हर एक फ्रंट पर हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम कर रहे हैं हम दुनिया के सबसे ज्यादा लेक्स एंड का रिजर्वेशन रिवाइवल का रिजोविनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जब हम इतने सारे फ्रंट्स पर होलिस्टिकली एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा पानी के स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्टमेंट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस पांच साल के विंडो में होने वाला है तब पूरी दुनिया भारत की तरफ दृष्टि से देखती है उसका नजरिया बदलता है और यह उसका साइन है कि इंडिया इज राइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी नहीं राइजिंग इंडिया लेकिन सर आपने एक चीज का जिक्र किया मैं इसको इस चीज से जोड़ता हूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन है कोई डाउट नहीं है पूरी दुनिया में भारत का डंका है हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां दुनिया के कुछ देशों की तरफ से इंडिया को भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ले लेकर लेक्चर दिया गया आप इसको जोड़ सकते हैं कुछ लोगों ने इनवाइट भी किया था डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी चुप क्यों है वाई देर ऑब्लिवियस अब आज की खबर है जर्मनी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर फॉर इंटरफेरेंस मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा भारत की शक्ति बढ़ेगी भारत के सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी और इनकी उनकी ये टिप्पणियां शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो चार स्तंभ ऐसे माने जाते हैं उस स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जी न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी एक विषय को लेकर के कोई वाद ही दायर किया जाए उस वाद में एक फैसला हो फैसले से पहले आपके पास में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हो आप माफी मांग कर छूट भी चुके हो, पहले भी अगर आप छूट चुके हो, आपको अनुभव भी हो कि माफी मांग करके छूटा जा सकता है हो सकता है शायद ये डर कहीं जहन में होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको भविष्य में ऐसी गलती न करें तो शायद उसका डर सता रहा होगा उसके चलते या मैं नहीं जानता कि किस प्रयोजन से माफी नहीं मांगी गई तो और उसके बाद में जब आपको सजा हो जाए और सजा होने के जो परिणाम है उन परिणामों को कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के फिर आप जो है उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश करें और उसको लेकर के कहीं सहानुभूति दुनिया के किसी से बटोर करके उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें मुझे लगता है कि इसी तरह की अपेक्षा है जब देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ में तनाव में हो तब देश की सबसे पुरानी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जाकर के उस देश के एम्बेडर uh, से गुपचुप जाकर के मुलाकात करें या उस देश के लोगों से जाकर के मुलाकात करें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जिम्मेदार पर बैठे हुए व्यक्ति दुनिया तो के दूसरे देशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर कैसे किया जा सकता उसके लिए सहयोग मांगे मुझे लगता है कि उनसे इससे बेहतर अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते आपको लगता है सिंपति होगी इस चीज की मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जहां पर ये बयान दिया कर्नाटक अब ये स्टेटमेंट है कि वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि वो तो उस उस बयान को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और आपको लगता है उस चीज वो कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं शायद अब तक वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं ना माफी मांगूंगा ना आगे कोर्ट जाऊंगा तो आपको लग रहा है इस चीज का उनको फायदा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का रिलॉन्च मोमेंट हो जाएगा राहुल गांधी को एक और का मौका मुझे तो नहीं लगता, शायद उनको लगता पर बात कर रहे थे 2018 में और माननीय प्रधानमंत्री जी की धवल छवि पर कीचड़ उछालने की कालिक पोतने की कोशिश कर रहे थे कैग के द्वारा रोके जाने के बावजूद भी कैग के द्वारा अपने वर्डिक दिए जाने के बाद में भी किसी भी संस्था को इंस्टीट्यूशन को वो शायद ऑनर करते नहीं है उन्होंने बदस्तूर अपना कार्यक्रम जारी रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो करारा तमाचा लगने के बाद में उन्होंने जो है अप, अपने आप को उससे रोका जिनका इस तरह का स्वभाव पड़ गया है सिंपथी कुछ सिंपति लेने की कोशिश जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम बताएंगे हुँ. क्योंकि 2019 में जो कुछ किया था उसका परिणाम क्या हुआ था वो देश की जनता ने देखा है देखिए अब 75 साल के इस आजाद भारत में जब लोकतंत्र पिचहत्तर साल का हो गया है जब देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवा लोगों का देश है जब युवा बढ़ते हुए भारत को और भारत के भविष्य को अपने भविष्य के साथ में जोड़ करके एक, एक उन्मुक्त आकाश की तरह देख रहे हैं उस समय में इस तरह के हथकंडों के माध्यम से लोगों को हम आकर्षित करके और उनको अपने साथ में जोड़ पाएंगे इसकी संभावना से का ऐसा, चार्ज... इन से ऐसा कौन व्यक्ति था जो दो में इनसे अलग था 2018 और 19 के चुनाव में 18 से लेकर के 19 के चुनाव में वही सब लोग साथ में थे एक बार फिर सारी मोदी विरोधी ताकतें एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बढ़ते हुए उत्कर्ष को रोकने के लिए जो भारत के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक बार फिर साथ आई हाँ हैं कोई नया विषय नहीं है और भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए जब कभी भी भारत का उत्कर्ष होने को हुआ था तब इस तरह की ताकतों ने एक साथ एकजुट होकर के प्रयास किए थे राजस्थान पर आते हैं सर अशोक गहलोत क्यों आपके पीछे पड़े हैं सर मैं सीधा सा सवाल लेता हूँ अभी वो फोन टैपिंग वाला मामला आया अभी वो संजीवनी वाला एक केस उस पर आपके परिवार को घसीट दिया गया आपने क्रिमिनल डेफिमेशन का केस फाइल किया अशोक गहलोत के खिलाफ ये आप दोनों में क्या चल रहा है गहलोत जी क्यों पीछे पड़े हैं सर आपके देखिए मुझे लगता है कि अपने दल में और दल के बाहर भी बढ़ने वाले लोगों को रोकना या बढ़ सकने की क्षमता रखने वाले लोगों को रोकना उनका स्वभाव है उनकी राजनीति की का हिस्सा है अपने दल में भी उन्होंने अपने एक साथी को कैसी कैसी उपमाओं से विभूषित किया था मुझे लगता है मुझे उनका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए उससे एक दो ज्यादा कैप्स लग, फैदर लगा करके उससे बड़ी कैप मुझे पहनाने की भी कोशिश उन्होंने की मेरे साथ तो मेरे परिवार तक को भी घसीटने की उन्होंने कोशिश की 2019 में जोधपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने बेटे के उनके बेटे के लॉन्च को जिस तरह से जमीन पर ला करके पटक दिया आपने क्रैश कराया लाख के लगभग वोटों से हरा करके जोधपुर की जनता ने उन्हें आईना सच का दिखा दिया ये उसकी छटपटाहट है और उस छटपटाहट के चलते वो इस तरह से इस तरह के अनर्गल बयान देकर के और बिना किसी आधार के बिना किसी तथ्य के बिना किसी सबूत के बिना किसी लिंक के मुझे जबरदस्ती एक विषय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके जिसने कहीं कोई पैसा साइफन ऑफ किया होगा मेरी तीन जनरेशन का जिसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है न मेरे तीन जनरेशन का कोई रिश्तेदार भी मैं नहीं मेरी तीन पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी न उसका डायरेक्टर है न उसका किसी तरह से ऑफिस बियर है न उसका मेंबर है न उसका डिपॉजिटर है न उसका बोरोवर है न कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह से है जी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना मात्र इसलिए कि मैंने अपने कुछ शेयर्स जो है उनको 2011 में उसके अर्स्ट वाइल्ड डायरेक्टर को इंडिपेंड जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए थे उसको लेकर के और फिर तो अनर्गल टिप्पणियां करना और जब मेरी दिवंगत माता जी जिनका कोविड के चलते निधन हो गया था 2021 में उनको भी जो है उन्होंने घसीटने की कोशिश की तब व्यथित होकर के मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा और जो है कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के दिल्ली पुलिस को जांच के लिए है है? भेज दिया अच्छा आप कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया इसलिए वो उसकी खीज मिटा रहे होते हो सकते हैं लेकिन सवाल सबके जहन में यह आता है वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं टारगेट करते हैं अशोक गहलोत बहुत ही सवाल मुश्किल होता लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो वो ही दे सकते हैं कि वो वसुंधरा वसुंधराजे को टारगेट क्यों नहीं करते नहीं, हैं। क्योंकि वो दो बार की सीएम रही हैं और गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे है आपको लग रहा है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को टारगेट क्यों नहीं करते इसकी वजह हो सकती है तो वो आपको सीएम फेस समझ रहे हैं और इस बार गहलोत वर्ष मैं मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो ये तो उनके जो है मस्तिष्क का विषय उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ कि वो क्यों टारगेट करते हैं क्यों नहीं टारगेट करते हैं दोनों में मेरे मुझे क्यों टारगेट करते है? मुझे जो कारण समझ में आता है कि पिछले 40-45 साल से जोधपुर की राजनीति का वो जो है एकमात्र केंद्र थे और विपक्ष में उनकी पार्टी में जितने उनके जो उनके विरोधी या उनके सामने या उनके बराबर खड़े हो सकते थे उनको उन्होंने किस किस तरह से निपटाया था इसका बहुत लंबा इतिहास है जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल भेज करके कुछ लोगों का राजनीतिक हत्याएं करके उन्होंने जिस तरह से निपटाई ये सब जानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और उनके अपोजिशन में कोई इस स्टेचर पर नहीं पहुंच पा रहा था ना नहीं पहुंचा था और मुझे शायद उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर पहली बार थ्रेट के रूप में जोधपुर में देखा 2014 में उनके तमाम प्रयास के बावजूद जोधपुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया प्यार दिया तो और मुझे चार लाख पिछहत्तर हजार वोटों से जीत कर, जिता करके भेजा इसलिए इस इस... जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन दोनों चुनाव में मैं सबके साथ मिलकर के काम कर रहा था 2019 के बाद में जब नगर निगम के चुनाव आए उन्होंने वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया उससे भी संतुष्टि नहीं हुई दो टुकड़ों में बांट दिया तो भी जो है जोधपुर दक्षिण में हार गया, हार गया का शिकार होना पड़ा मुझे लगता है कि अब उनको अपनी राजनीतिक धरातल जोधपुर से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके कारण से यह चटपटाट और बढ़ गई कोई सीएम फेस होगा बस एक आखिरी सवाल कोई सीएम फेस होगा विदाउट सीएम फेस आप लोग कल माननीय गृह मंत्री जी ने आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को खुले रूप में मंच से भी कह चुके हैं पार्टी की बैठक में भी कह चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे पास में जी। नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है हमको किसी और चेहरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है हम बीजेपी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जी। और देश के 130 करोड़ लो, कुछ लोग कुछ लोगों की शायद राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो खुले में नहीं कर पाते होंगे लेकिन Uh, जो है बंद कमरे में जो लोग उनसे स्नेह करते हैं ऐसे सारे लोग ऐसा नेतृत्व जिस देश, जिस पार्टी के पास में हो उसको किसी चेहरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने So, ladies and gentlemen, we are now going to be announcing the next category of awards in rural transformation. So, presenting to you the first winner of this category. People living in rural areas tend to be employed in the agricultural or allied sectors but in Chhattisgarh's Tulsi village one in three people consider themselves youtubers wherever you go in this village you will find someone creating content people in this village praise Gulab Singh Yadu who is credited with this transformation Rising India lauds his extraordinary effort to put a remote village on a new and entertaining path using digital technologies. Ladies and gentlemen, please welcome aman Chopra for a session on water warriors. Honorable Minister. Three cheers, ladies and gentlemen. नमस्कार इंडिया राइजिंग के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में हैं गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं जोधपुर से सांसद हैं मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपने समय निकाला और इंडिया राइजिंग में आने के लिए पहला सवाल इंडिया राइजिंग को लेकर ही इंडिया राइजिंग भारत के बढ़ते कदम भारत इस वक्त कहां खड़ा है खासकर मैं इसकी शुरुआत उससे करूंगा क्योंकि भी चार दिन आप पहले आप यूएन से आए हैं संयुक्त राष्ट्र में वाटर वीक यूएन वाटर वीक में इंडिया राइजिंग की असली ताकत वहां भारत की दिखी गजेंद्र जी माइक सर माइक देखिए कोई भी देश जब प्रगति करता है पहली आवश्यकता यह होती है कि उस देश के निवासियों में कोई समाज प्रगति करे कोई संस्थान प्रगति करे उसमें काम करने वाले लोगों में और उसके सहभागियों में ये कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ लोगों ने जब सरकार ने अभावों से आगे बढ़कर के प्रचुरता के साथ काम करने और एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में काम करना शुरू किया ये कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट हुआ है और उनके कार्यप्रणाली में रिफ्लेक्ट होने लगा है दूसरा कोई भी देश समाज संस्थान यदि राइज कर रहा है तो दूसरे लोगों की दृष्टि उनको देखने की नजरिया जो है वो किस तरह से बदला ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो होता है जी आज भारत की तरफ देखने का वैश्विक नजरिया जो है वो परिवर्तित हुआ है और उसे में जो आपने विषय रखा यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी अभी पानी को लेकर के पिछले एक महीने में दो बार मुझे जाने का अवसर मिला जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो लगभग 46 साल बाद में यूनाइटेड नेशंस ने पानी के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस की थी दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि वर्ल्ड बैंक ने वाटर समिट किया था जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो वाटर फ्रंट पर वाटर स्पेक्ट्रम में जितने भी इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है जी। वो भी लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां थे वर्ल्ड बैंक समिट की अगर मैं बात करूं तो वो समिट वर्चुअली तीन दिन की समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट हो गई थी शुरुआत से लेकर के आखिरी दिन तक जिस किसी भी स्पीकर ने बात की होगी मेजॉरिटी ऑफ स्पीकर जो हैं उन सब ने इंडियन इनिशिएटिव की किसी न किसी रूप में चर्चा की और यूनाइटेड नेशंस में भी जब हमने बात की हमने कहा कि पानी ग्लोबल इशू है और ये पूरी दुनिया के लोगों का एक जो है सामूहिक रिसोर्स है इस पर हमको वैश्विक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा विल हैव टू थिंक इट ग्लोबली और पूरी दुनिया ने इस पर जो है हमारे साथ में दुनिया ने इस पर हमारे साथ में अपना अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का फाइनल टेक अवेज थे उनमें इसको सम्मिलित किया गया क्योंकि भारत ने पानी के दृष्टिकोण से हर एक फ्रंट पर हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम कर रहे हैं हम दुनिया के सबसे ज़्यादा लेक्स एंड का रिजर्वेशन रिवाइवल का रिजुविनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जब हम इतने सारे फ्रंट्स पर होलिस्टिकली एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा पानी के स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्टमेंट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस पांच साल के विंडो में होने वाला है तब पूरी दुनिया भारत की तरफ दृष्टि से देखती है उसका नजरिया बदलता है और यह उसका साइन है कि इंडिया इज राइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी नहीं राइजिंग इंडिया लेकिन सर आपने एक चीज का जिक्र किया मैं इसको इस चीज से जोड़ता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कंट्रीब्यूशन का रिक्निशन है कोई डाउट नहीं है पूरी दुनिया में भारत का डंका है हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां दुनिया के कुछ देशों की तरफ से इंडिया को, भारत डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर लेक्चर दिया गया आप इसको जोड़ सकते हैं कुछ लोगों ने इनवाइट भी किया था डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी चुप क्यों है और अब आज की खबर है जर्मनी फॉरन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर फॉर इंटरफेरेंस मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा भारत की शक्ति बढ़ेगी भारत के सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी और इनकी उनकी ये टिप्पणियाँ शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो चार स्तंभ ऐसे माने जाते हैं उस स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जी न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी एक विषय को लेकर के कोई वाद दायर किया जाए उस वाद में एक फैसला हो फैसले से पहले आपके पास में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हो आप माफी मांग कर छूट भी चुके हो हो पहले भी अगर आप छूट चुके हो, आपको अनुभव भी हो कि माफी मांग करके छूटा जा सकता है हो सकता है शायद ये डर कहीं जहन में होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको भविष्य में ऐसी गलती न करें तो शायद उसका डर सता रहा होगा उसके चलते या मैं नहीं जानता कि किस प्रयोजन से माफी नहीं मांगी गई तो और उसके बाद में जब आपको सजा हो जाए और सजा होने के जो परिणाम है उन परिणामों को कॉन्सिक्वेंसेज को लेकर के फिर आप जो है उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश करें और उसको लेकर के कहीं सहानुभूति दुनिया के किसी से बटोर करके उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें मुझे लगता है कि इसी तरह की अपेक्षा है जब देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ में तनाव में हों तब देश की सबसे पुरानी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जाकर के उस देश के एम्बेडर uh, से गुपचुप जाकर के मुलाकात करें या उस देश के लोगों से जाकर के मुलाकात करें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जिम्मेदार पर बैठे हुए व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर कैसे किया जा सकता उसके लिए सहयोग मांगे मुझे लगता है कि उनसे इससे बेहतर अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते आपको लगता है सिंपति होगी इस चीज की मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जहां पर ये बयान दिया कर्नाटक अब ये स्टेटमेंट आया कि वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि वो तो उस, उस बयान को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और आपको लगता है उस चीज वो कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं शायद अब तक वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं ना माफी मांगूंगा ना आगे बढ़ा कोर्ट जाऊंगा

किसी भी संस्था को इंस्टीट्यूशन को वो शायद ऑनर करते नहीं है उन्होंने बदस्तूर अपना कार्यक्रम जारी रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो करारा तमाचा लगने के बाद में उन्होंने जो है अप, अपने आप को उससे रोका जिनका इस तरह का स्वभाव पड़ गया है स्यंपर्थी, कुछ सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम बताएंगे हुँ. क्योंकि 2019 में जो कुछ किया था उसका परिणाम क्या हुआ था वो देश की जनता ने देखा है देखिए अब 75 साल के इस आजाद भारत में जब लोकतंत्र 75 साल का हो गया है जब देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवा लोगों का देश है जब युवा बढ़ते हुए भारत को और भारत के भविष्य को अपने भविष्य के साथ में जोड़ करके एक, एक उन्मुक्त आकाश की तरह देख रहे हैं उस समय में इस तरह के

भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बढ़ते हुए उत्कर्ष को रोकने के लिए जो भारत के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक बार फिर साथ आई हाँ हैं कोई नया विषय नहीं है और भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए जब कभी भी भारत का उत्कर्ष होने को हुआ था तब इस तरह की ताकतों ने एक साथ एकजुट होकर के प्रयास किए थे राजस्थान पर आते हैं सर अशोक गहलोत क्यों आपके पीछे पड़े हैं सर मैं सीधा सा सवाल लेता हूँ अभी वो फोन टैपिंग वाला मामला आया अभी वो संजीवनी वाला एक केस उस पर आपके परिवार को घसीट दिया गया आपने क्रिमिनल डेफिमेशन का केस फाइल किया अशोक गहलोत के खिलाफ ये आप दोनों में क्या चल रहा है गहलोत जी क्यों पीछे पड़े हैं सर आपके देखिए मुझे लगता है कि अपने दल में और दल के बाहर भी बढ़ने वाले लोगों को रोकना या बढ़ सकने की क्षमता रखने वाले लोगों को रोकना उनका स्वभाव है उनकी राजनीति की का हिस्सा है अपने दल में भी उन्होंने अपने एक साथी को कैसी कैसी उपमाओं से विभूषित किया था मुझे लगता है मुझे उनका उल्लेख नहीं करना चाहिए उससे एक-दो ज्यादा लग, फैदर लगा करके उससे बड़ी कैप मुझे पहनाने की भी कोशिश उन्होंने की मेरे साथ तो मेरे परिवार तक को भी घसीटने की उन्होंने कोशिश की 2019 में जोधपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अपने बेटे के उनके बेटे के लॉन्च को जिस तरह से जमीन पर ला करके पटक दिया आपने क्रैश कराया तीन लाख के लगभग वोटों से हरा करके जोधपुर की जनता ने उन्हें आईना सच का दिखा दिया ये उसकी छटपटाट है और उस छटपटाट के चलते वो इस तरह से इस तरह के अनर्गल बयान देकर के और बिना किसी आधार के बिना किसी तथ्य के बिना किसी सबूत के बिना किसी लिंक के मुझे जबरदस्ती एक विषय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके जिसने कहीं कोई पैसा साइफन ऑफ किया होगा मेरी तीन जनरेशन का जिसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है न मेरे तीन जनरेशन का कोई रिश्तेदार भी मैं नहीं मेरी तीन पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी न उसका डायरेक्टर है न उसका किसी तरह से ऑफिस बियर है न उसका मेंबर है न उसका डिपॉजिटर है न उसका बोरोवर है न कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह से है जी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना मात्र इसलिए कि मैंने अपने कुछ शेयर्स जो है उनको 2011 में उसके अर्स्ट वर्ल्ड डायरेक्टर को इंडिपेंड जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए थे उसको लेकर के और फिर तो अनर्गल टिप्पणियां करना और जब मेरी दिवंगत माता जी जिनका कोविड के चलते निधन हो गया था 2021 में उनको भी जो है उन्होंने घसीटने की कोशिश की तब व्यथित होकर के मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा और जो है कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के दिल्ली पुलिस को जांच के लिए भेज दिया अच्छा आप कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया इसलिए वो उसकी खींच मिटा रहे होते हो सकते हैं लेकिन सवाल सबके जहन में ही आता है वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं टारगेट करते हैं अशोक गहलोत बहुत ही सवाल मुश्किल हो होता लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो वो ही दे सकते हैं कि वो वसुंधरा वसुंधराजे को टारगेट क्यों नहीं करते नहीं, हैं। क्योंकि वो वो दो बार की सीएम रही हैं और गहलोत वर्सेस वसुंधरा वसुंधरा राजे राजे है है आपको लग रहा सिंधिया को टारगेट क्यों नहीं करते हैं। इसकी वजह हो सकती है तो वो आपको सीएम फेस समझ रहे हैं और इस बार गहलोत मैं वर्सेस मैं मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो ये तो उनके जो है मस्तिष्क का विषय उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ कि वो क्यों टारगेट करते हैं क्यों नहीं टारगेट करते हैं दोन में मेरे, मुझे क्यों टारगेट करते है? मुझे जो कारण समझ में आता है कि पिछले 40-45 साल से जोधपुर की राजनीति का वो जो है एकमात्र केंद्र थे और विपक्ष में उनकी पार्टी में जितने उनके जो उनके विरोधी या उनके सामने या उनके बराबर खड़े हो सकते थे उनको उन्होंने किस किस तरह से निपटाया था इसका बहुत लंबा इतिहास है जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल भेज करके कुछ लोगों का राजनीतिक अत्याय करके उन्होंने जिस तरह से निपटाई ये सब जानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और उनके अपोजिशन में कोई इस स्टीचर पर नहीं पहुंच पा रहा था ना नहीं पहुंचा था और मुझे शायद उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर पहली बार थ्रेट के रूप में जोधपुर में देखा 2014 में उनके तमाम प्रयास के बावजूद जोधपुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया प्यार दिया तो और मुझे चार लाख पिछहत्तर हजार वोटों से जीत कर जिता करके भेजा इसीलिए सर लग रहा है ना गहलोत आप होगा इस बार जोधपुर इस... की जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया क्योंकि उन दोनों चुनाव में मैं सबके साथ मिलकर के काम कर रहा था 2019 के बाद में जब नगर निगम के चुनाव आए उन्होंने वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया उससे भी संतुष्टि नहीं हुई दो टुकड़ों में बांट दिया तो भी जो है जोधपुर दक्षिण में हार गया, हार गया का शिकार होना पड़ा मुझे लगता है कि अब उनको अपनी राजनीतिक धरातल जोधपुर से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसके कारण से यह चटपटाट और बढ़ गई कोई सीएम फेस होगा बस एक आखिरी सवाल कोई सीएम फेस होगा या विदाउट सीएम फेस आप लोग कल माननीय गृह मंत्री जी ने आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को खुले रूप में मंच से भी कह चुके हैं पार्टी की बैठक में भी कह चुके हैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे पास में जी। नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है हमको किसी और चेहरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है हम बीजेपी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जी। और देश के 130 करोड़ लोग कुछ लोगों की शायद राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो खुले में नहीं कर पाते होंगे लेकिन Uh, जो है बंद कमरे में जो लोग उनसे स्नेह करते हैं ऐसे सारे लोग ऐसा नेतृत्व जिस देश जिस पार्टी के पास में हो उसको किसी चेहरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने So, ladies and gentlemen, we are now going to be announcing the next category of awards in rural transformation. So, presenting to you the first winner of this category. People living in rural areas tend to be employed in the agricultural or allied sectors. But in Chhattisgarh's Tulsi village, one in three people consider themselves YouTubers. Wherever you go in this village, you will find someone creating content. People in this village praise Gulab Singh Yadu, who is credited... ...for a session on water warriors. Honorable Minister, नमस्कार इंडिया राइजिंग के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में हैं गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं जोधपुर से सांसद हैं मैं चाहूंगा एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपने समय निकाला और इंडिया राइजिंग में आने के लिए पहला सवाल इंडिया राइजिंग को लेकर ही India Rising, भारत के बढ़ते कदम भारत इस वक्त कहां खड़ा है खासकर मैं इसकी शुरुआत उससे करूंगा क्योंकि भी चार दिन आप पहले आप यूएन से आए हैं संयुक्त राष्ट्र में वाटर वीक यू एन वीक में इंडिया राइजिंग की असली ताकत तो वहां भारत की दिखी गजेंद्र जी माइक सर माइक देखिए कोई भी देश जब प्रगति करता है पहली आवश्यकता यह होती है कि उस देश के निवासियों में कोई समाज प्रगति करे कोई संस्थान प्रगति करे उसमें काम करने वाले लोगों में और उसके सहभागियों में ये कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ लोगों ने जब सरकार ने अभावों से आगे बढ़कर के प्रचुरता के साथ काम करने और एक स्पष्ट लक्ष्य और सोच के साथ में काम करना शुरू किया कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट हुआ है और उनके कार्यप्रणाली में रिफ्लेक्ट होने लगा है दूसरा कोई भी देश समाज संस्थान यदि राइज कर रहा है तो दूसरे लोगों की दृष्टि उनको देखने की नजरिया जो है वो किस तरह से बदला यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी आज भारत की तरफ देखने का वैश्विक नजरिया जो है वो परिवर्तित हुआ है और उसे में जो आपने विषय रखा यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी अभी पानी को लेकर के पिछले एक महीने में दो बार मुझे जाने का अवसर मिला जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस जो लगभग 46 साल बाद में यूनाइटेड नेशंस ने पानी के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस की थी दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि लगभग 110 से ज्यादा देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उससे पहले 20 दिन पहले मार्च महीने के शुरुआत में वर्ल्ड बैंक ने वाटर समिट किया था जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो वाटर फ्रंट पर वाटर स्पेक्ट्रम में जितने भी इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है जी. वो भी लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स वहां थे वर्ल्ड बैंक समिट की अगर मैं बात करूं तो वो समिट वर्चुअली तीन दिन की समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट हो गई थी शुरुआत से लेकर के आखिरी दिन तक जिस किसी भी स्पीकर ने बात की होगी मेजोरिटी ऑफ स्पीकर्स जो हैं, उन सब ने इंडियन इनिशिएटिव्स की किसी न किसी रूप में चर्चा की और यूनाइटेड नेशंस में भी जब हमने बात की हमने कहा कि पानी ग्लोबल इशू है और यह पूरी दुनिया के लोगों का एक जो है सामूहिक रिसोर्स है इस पर हमको वैश्विक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा वील हैव टू थिंक इट ग्लोबली और पूरी दुनिया ने इस पर जो है हमारे साथ में दुनिया ने इस पर हमारे साथ में अपना अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का फाइनल टेक अवेज थे उनमें इसको सम्मिलित किया गया क्योंकि भारत ने पानी के दृष्टिकोण से हर एक फ्रंट पर हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलेशन प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम कर रहे हैं हम दुनिया के सबसे ज्यादा लेक्स एंड का रिजर्वेशन रिवाइवल का रिजोविनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जब हम इतने सारे फ्रंट्स पर होलिस्टिकली एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा पानी के स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्टमेंट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है 240 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इस पांच साल के विंडो में होने वाला है तब पूरी दुनिया भारत की तरफ चमत्कार दृष्टि से देखती है उसका नजरिया बदलता है और यह उसका साइन है कि इंडिया इज राइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी नहीं राइजिंग इंडिया लेकिन सर आपने एक चीज का जिक्र किया मैं इसको इस चीज से जोड़ता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन है कोई डाउट नहीं है पूरी दुनिया में भारत का डंका है हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां दुनिया के कुछ देशों की तरफ से इंडिया को भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर लेक्चर दिया गया आप इसको जोड़ सकते हैं कुछ लोगों ने इनवाइट भी किया था डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी चुप क्यों है खबर है जर्मनी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर फॉर इंटरफेरेंस मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा भारत की शक्ति बढ़ेगी भारत के सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी और इनकी उनकी ये टिप्पणियाँ शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो चार स्तंभ ऐसे माने जाते हैं उस स्तंभ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो है वो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जी न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भारत की न्यायिक व्यवस्था के अधीन किसी एक विषय को लेकर के कोई वाद ही दायर किया जाए उस वाद में एक फैसला हो फैसले से पहले आपके पास में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज हो आप माफी मांग पर छूट छूट भी 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 चुके हो, पहले भी अगर आप छूट चुके हो 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 पहले अगर आप आपको अनुभव भी हो कि माफी मांग करके छूटा जा सकता है। हो सकता है है हो शायद ये डर कहीं जहन में होगा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको भविष्य में ऐसी गलती न करें तो शायद उसका डर सता रहा होगा उसके चलते या मैं नहीं जानता कि किस प्रयोजन से माफी नहीं मांगी गई तो और उसके बाद में जब आपको सजा हो जाए और सजा होने के जो परिणाम है उन परिणामों को कॉन्सिक्वेंसिस को लेकर के फिर आप जो है उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश करें और उसको लेकर के कहीं सहानुभूति दुनिया के किसी से बटोर करके उनको धन्यवाद देने की कोशिश करें मुझे लगता है कि इस इसी तरह की अपेक्षा है जब देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ में तनाव में हो तब देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए वे व्यक्ति वे जाकर के उस देश के एंबेसडर uh, से गुपचुप जाकर के मुलाकात करें या उस देश के लोगों से जाकर के मुलाकात करें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े जिम्मेदार पर बैठे हुए व्यक्ति दुनिया के. के दूसरे देशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर कैसे किया जा सकता उसके लिए सहयोग मांगे मुझे लगता है कि उनसे इससे बेहतर अपेक्षा आप कर भी नहीं सकते आपको लगता है सिंपति होगी इस चीज की मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जहां पर ये बयान दिया कर्नाटक अब ये स्टेटमेंट आया कि वहीं से चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी बल्कि वो तो उस उस बयान को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और आपको लगता है उस चीज़ वो कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं शायद अब तक वो इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं ना माफी मांगूंगा ना आगे बढ़ा कोर्ट जाऊंगा

किसी भी संस्था को इंस्टीट्यूशन को वो शायद ऑनर करते नहीं है उन्होंने बदस्तूर अपना कार्यक्रम जारी रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो है वो करारा तमाचा लगने के बाद में उन्होंने जो है अप, अपने आप को उससे रोका जिनका इस तरह का स्वभाव पड़ गया है सिंपथी कुछ सिंपथी लेने की कोशिश जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम बताएंगे hmm. क्योंकि 2019 में जो कुछ किया था उसका परिणाम क्या हुआ था वो देश की जनता ने देखा है देखिए अब 75 साल के इस आजाद भारत में जब लोकतंत्र पिचहत्तर साल का हो गया जब देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवा लोगों का देश है जब युवा बढ़ते हुए भारत को और भारत के भविष्य को अपने भविष्य के साथ में जोड़ करके एक, एक उन्मुक्त आकाश की तरह देख रहे हैं उस समय में इस तरह के हथकंडो के माध्यम से लोगों को हम आकर्षित करके और उनको अपने साथ में जोड़ पाएंगे इसकी संभावना ऐसा कौन व्यक्ति था जो दो हजार अठारह में इनसे अलग था दो हजार अठारह और उन्नीस के चुनाव में अठारह से लेकर के उन्नीस के चुनाव में वो ही सब लोग साथ में थे एक बार फिर सारी मोदी विरोधी ताकते एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बढ़ते हुए उत्कर्ष को रोकने के लिए जो भारत के उत्कर्ष के लिए काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए एक बार फिर साथ आई हाँ है कोई नया विषय नहीं है और भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए जब कभी भी भारत का उत्कर्ष होने को हुआ था तब इस तरह की ताकतों ने एक साथ एकजुट होकर के प्रयास किए थे राजस्थान पर आते हैं सर अशोक गहलोत क्यों आपके पीछे पड़े हैं सर मैं सीधा सा सवाल लेता हूँ अभी वो फोन टैपिंग वाला मामला आया अभी वो संजीवनी वाला एक केस उस पर आपके परिवार को घसीट दिया गया आप